गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया गया था, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आत्मबल, आत्मविश्वास के द्वारा आत्मबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ना हो तो साहस चाहिए, साहस के साथ सफलता जुड़ी है, विजय जुड़ी है। अगर उस विजय को प्राप्त करना है तो स्वयं पर भरोसा जगाना पड़ेगा, स्वयं पर भरोसा जगाना पड़ेगा, या कहिए स्वयं के भरोसे को जगाना पड़ेगा। आपके हौसले को कोई डिगा नहीं सकता। अगर आपका हौसला डिगता है तो उसमें आपकी अपनी ही कमजोरी होती है। अब अपनी कमजोरी क्या होती है? अपनी कमजोरी ही अपनी कमियां हैं। वो कमियां कहां हैं? आपके विचार में आती है। जो भी विचार आपके अंदर प्रकट होते हैं, इन विचारों में झांक करके देखिए तो आपको अपनी कमियां नजर आएंगी। मेरा इस बार जो अनुष्ठान करने और कराने का मन है वो एक ही है कि किसी भी तरह से उन कमियों को रोका जाए। जो कमियां प्रकट होती हैं उनको किसी भी तरह से रोका जाए। सुना है, एक ध्येय वाक्य है, साहसी सदा विजयी होता है। पीछे मत हटना, बुराइयां सबके साथ लगी होती हैं, पीछे मत हटना, आगे ही बढ़ना। अगर जितने आगे बढ़ते जाओगे आपका रास्ता खुलता चला जाएगा। जितना आत्मविश्वास आपको पैदा हो जाएगा उतना ही आपके जीवन का रास्ता खुलता हुआ चला जाएगा। इसमें कठिनाइयां और कोई नहीं है। मानव जीवन दो स्तर पर अपने जीवन को जीता है, एक शरीर वाला भाग है और एक चेतना वाला भाग है। चेतना हाड मास के शरीर के अंदर काम करती है। चेतना का अंत होते ही मृत्यु आ जाती है। देखिए कैसा जुड़ा हुआ है। चेतना का जो भाग है उसे चार भाग में हमारे ऋषियों ने बांटा है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको चतुस्थ कहते हैं, चतुस्थ। आज मेरा मन ये है कि इन चारों के बारे में आपको बताया जाए, जिससे इस जानकारी के आधार पर आप अपने जीवन को ठीक से जी सकें। मन का काम है इच्छा करना, चाहना और कल्पना करना। देखो, तरह तरह की वस्तुओं की इच्छाएं मन के द्वारा प्रकट होती रहती हैं। क्षण भर में वो पृथ्वी के एक कोने से लगा करके दूसरे कोने तक तीव्र गति से दौड़ता है। इतनी तेज दौड़ता है कि दुनिया में उससे तेज कोई दौड़ नहीं सकता। उसकी दौड़ के बराबर किसी की दौड़ नहीं है। मन की इच्छा और प्रेरणा से इंद्रियां विविध प्रकार के भोगों के लिए संलग्न होती हैं। मन को 11वीं इंद्री कहा गया है। यद्यपि अन्य इंद्रियों की भांति मन दिखाई नहीं देता है, परंतु रस की अनुभूति से उसको सब समझ जाते हैं। सबसे आगे चलता है, सबका नेता है। यदि मन उदास हो तो खिन्न आकर्षण भोग कुछ नहीं सुहाते हैं। यदि मन की प्रेरणा प्रबल हो तो निर्बल इंद्रियां भी उत्तेजित होकर के उसी मार्ग पर चलने लग जाती हैं जिस मार्ग पर मन उसको चलाना चाहता है। यदि कुमारगामी हो जाएं तो पतन का गहरा खड्डा खोद करके रख दें और उसी में अपने आप को दफन कर देंगी। मनुष्य यदि बंधन से मुक्त होना चाहता है और अपनी मुक्ति चाहता है तो मन को वश में किया जाए। निचोड़ यह है कि मन को वश में किया जाए। असंस्कृत मन से बढ़कर व्यक्ति का दूसरा कोई शत्रु नहीं हो सकता और सुसंस्कृत मन से बढ़कर के व्यक्ति का कोई मित्र नहीं हो सकता। यही कारण है आत्म कल्याण की इच्छा रखने वालों को अपने मन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब दूसरी चीज जो बताई थी बुद्धि। बुद्धि का काम है निर्णय करना। बुद्धि का काम है निर्णय करना। मन अनेक प्रकार की उबड़ खाबड़ कल्पनाएं करता रहता है। बुद्धि उसमें से उपयोगी कल्पनाओं को ही स्वीकार करती है, अनुपयोगी को त्याग देती है। यह बुद्धि का कार्य है। तर्क करना बुद्धि का प्रधान हथियार है। कारण, परिस्थिति, अनुभव, उदाहरण, अवसर, प्रमाण, साधन, पात्र और सामर्थ्य, इनको ध्यान में रखते हुए, इन कसौटियों पर कसते हुए बुद्धि निर्णय लेने का प्रयत्न करती है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस निर्णय को लेती है। ये तो हुई बुद्धि की सामान्य जानकारी। विशुद्ध बुद्धि, रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि प्राय उच्च कोटि की आत्माओं को ही जागृत होती है। उच्च कोटि की जो आत्माएं हैं वो ही उसको जागृत कर पाती हैं। साधारण मनुष्यों की बुद्धि का श्रेय या प्रेम से एक पक्ष की ओर झुकी रहती है। श्रेय का अर्थ होता है आत्मा का स्वार्थ यानी कि परमार्थ, और प्रेय का मतलब होता है शरीर का स्वार्थ यानी कि सांसारिक सुख, भौतिक लाभ। जैसे मुकदमे में वादी और प्रतिवादी के वकील एक ही बात पर परस्पर विरोधी तर्क करते हैं और अपने अपने पक्ष को निर्दोष साबित करते हैं, दूसरे पक्ष को दोषी सिद्ध करते हैं। बड़ी प्रभावपूर्ण बहस उनके बीच में होती है। ठीक उसी ही तरह से हमारे ऊपर जो भी बंधन होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, वो उसी प्रकार से श्रेयानुगामी बुद्धि इन तर्कों की प्रधानता और मान्यता देती है जो आत्मा के स्वार्थ को पूरा करते हैं, चाहे उनके लिए कुछ सांसारिक लाभों को छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार प्रेयानुगामी बुद्धि वो सारे तर्क और प्रमाण पैदा कर देती है। उदाहरण पसंद आते हैं जो सांसारिक सुख साधना को बढ़ाते हैं, फिर उसके लिए धर्म कर्तव्य और उसको छोड़ना पड़ता है। सोचो, आप सोच करके देखिए, बुद्धि की बात भी मैंने कही और मन की बात भी मैंने आपसे कही है। अब मैं तीसरी शक्ति के बारे में आपसे कहूंगा। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर हमारे अंदर विवेकशीलता का गुण पैदा होता है तो विवेकशीलता के गुण से मन का और बुद्धि का दोनों का समन्वय होता है, यानी कि संगठित ताकत बनती है। ऐसी नीति कार्य पद्धति अपनाने पर दोनों मिलकर के उस लाभ को जो मिलना चाहिए उसे परिणाम के रूप में पैदा कर लेती हैं। आप देखते होंगे सामान्य जीवन में अति लोभ की भांति अति त्याग की भी कष्टदायक प्रक्रिया है, अति भोग की भांति अति तितिक्षा की भी प्रक्रिया है। परंतु इसमें केवल एक बात को देखना होगा कि शरीर का स्वास्थ्य किस प्रक्रिया के द्वारा उत्तम बनेगा, किस तरह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। परंतु धर्म पूर्वक आजीविका कमाना असंभव नहीं है। संयम पूर्वक ऐश्वर्य का उपयोग ना हो सके ऐसी बात नहीं है। ग्रस्त में रहकर राजा जनक की भांति विरक्त रहना असाध्य नहीं है। स्वार्थ और परमार्थ को का एकीकरण कर देना यही माध्यम मार्ग है, बीच का रास्ता यही है। सोचो, अगर इस रास्ते पर हम चलते हैं और इस रास्ते की साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि की स्थिति ऊंची होती हुई चली जाएगी, और बुद्धि की स्थिति जितनी ऊंची होती चली जाएगी उतना ही परिवर्तन आप अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, उतना ही बड़ा दोनों के समन्वय संगठित प्रयास से जो आपको लाभ होंगे वो लाभ आपको देखते ही बनेंगे, और आप अपने जीवन में धीरे धीरे करके बुद्धि का सहारा लेकर के अपनी स्थिति को ऊंचा करते हुए चले जाएंगे। इसी को रितंबरा प्रज्ञा कहते हैं। उस दशा में वो स्वार्थ और परमार्थ दोनों पक्षों को छोड़ देती है, केवल दैवी उद्देश्य को ही पूर्ण करती है। परमहंस और जीवन मुक्त आत्माएं इन्हीं प्रेरणाओं पर काम करती हैं। अब मैं तीसरी शक्ति के बारे में आपसे कहना चाहूंगा जिसको चित्त कहा है। चित्त, चित्त का जो तात्पर्य है वो स्वभाव से है, आदत से है, देव अभ्यास से है, संस्कार से है, उसको चित्त कहते हैं। दीर्घ काल तक जो विचार पद्धति एवं कार्य प्रणाली अभ्यास में आती है, हमारे उपयोग में आती है, उसका प्रभाव व्यक्ति की चेतना पर जाकर के पड़ता है और व्यक्ति की चेतना उस प्रभाव की आदी हो जाती है। उसे छोड़ने में बड़ी हिचकिचाहट होती है। जैसे दो मित्र आपस में एक बहुत लंबे समय से साथ साथ रह रहे हों, तो जब छोड़ते हैं तो चिरस्थायी वियोग उनके जीवन में पैदा हो जाता है, चाहे उनमें दुश्मनी हो गई हो किसी विषय पर, परंतु जो उनका आंतरिक लगाव है वो चिर वियोग में बदलता है। उनकी भावना उमड़ती है और वो अलग नहीं होना चाहते, चाहे उनके बीच में दरार आई हो, परंतु वो फिर भी एक नहीं होना चाहते। इसी प्रकार जो स्वभाव, विचार, आचार बहुत दिनों से अभ्यास में आए, वो चित्त के संस्कार बन जाते हैं। और ऐसे जम जाते हैं जैसे आंखों के पीछे जाकर के किसी की छवि जम जाती है, रूप जम जाता है। नवीन जीवन का काम उसी आधार पर चलने लगता है। भिखारी, चोर, नशेबाज, दुराचारी, आलसी स्वभाव के जितने मनुष्य होते हैं वो सब जानते हैं कि उनकी गतिविधियां हमारे लिए दुखदाई हैं, पर उनके मस्तिष्क और शरीर को ऐसा अभ्यास पड़ा हुआ है कि अनिच्छा होते हुए भी वो उस काम को करने से चूकते नहीं हैं। कई व्यक्ति रूढ़िवादी होते हैं, जो पूजा पाठ या कर्मकांड के कार्यों में या अन्य कोई कार्य हैं, उनमें पुरातन पंथी बेतरह से चिपके हुए उनके विचार, रूढ़ियों के रूप में काम कर रहे उनके विश्वास इतने दृढ़ हो जाते हैं कि वो विवेक बुद्धि की उपयोगिता, सामयिक आवश्यकता आदि का कुछ भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। जो कुछ भला बुरा अब तक होता चला आया है, उसमें तनिक भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। ये चित्त की स्थिति का ही खेल है। धन को सुरक्षित रखने का तिजोरी का जो घर है, जिसमें आवश्यक चीजें रखी जाती हैं, सोच करके देखो वो चीजें कितनी कीमती होती हैं, परंतु उस तिजोरी में अगर आदमी दुर्गंध भर ले, उसका दुरुपयोग करे, उसमें से गंदगी और बदबू आने लगे, तो जो हानि है वो हमारे अंदर चिरस्थायी हो जाती है। प्रभु ने मनोमय कोष में चित्त का बहुमूल्य भाग इसलिए दिया है कि उसके द्वारा उत्तम स्वभाव को सुरक्षित और चिरस्थायी रखा जा सके। आजकल हमारे चित्त की बड़ी ही दुर्दशा है। उनमें बुरी आदतें, नीच विचार धाराएं, सड़ी गली परंपराएं, तुच्छ कामनाएं भरी पड़ी हैं, जिनका शोधन और परिमार्जन करना बहुत नितांत आवश्यक है। मैं बात को कहां लेकर के आ रहा हूं और क्या कहना चाहता हूं, सोचो। जो भी कहा गया है, अगर इस गंदगी को बाहर निकालना है तो जो अनुष्ठान करने का उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। अनुष्ठान जो करना चाहते हैं वो इसलिए करना चाहते हैं। तो ये जो गड़ी सड़ी सड़न बदबू जो हमारे अंदर भरी पड़ी है, ये किसी तरह से बाहर निकले, किसी भी तरीके से ये हमारे जीवन से बाहर निकले। ये चित्त की स्थिति का जो खेल है, जो धन को सुरक्षित रखने के लिए जिस तिजोरी का इस्तेमाल कर रहा है, उसका शोधन और परिमार्जन बहुत आवश्यक है। जैसे कच्ची मिट्टी पानी को सोख लेती है और पानी रंग और गंध को देर तक अपने में धारण किए रहता है, उसी प्रकार मन में भी विचार किए जाते हैं, शरीर द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका औचित्य और अनौचित्य, पाप और पुण्य चित्त में संस्कार के रूप में चिपक जाता है। ये संस्कार समय के अनुसार परिपाक बनता है, कर्म का परिपाक बनता है। जब परिपाक बनता है तो वो दुख सुख कर्म भोग का निर्णय करता है। यहां बहुत अच्छे से एक बात समझ लेना, पुण्य पाप चित्त में संस्कार के रूप में जब जम जाते हैं तो वो समय के अनुसार जब परिपाक बनाते हैं तो कर्म के भोगों का निर्णय जो व्यक्ति को भोगना पड़ता है, वो जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों को विनष्ट करने की प्रक्रिया को चालू करता है और प्रारब्ध भोगों के अतिरिक्त भविष्य में बनने वाले दुखदायी कर्म भोगों की अनायासी जड़ कटने लग जाती है। जो चित्त की गहराई में अपनी जड़ जमा करके बैठे रहते हैं। यहां मैं एक बात और कहूंगा, बुद्धि जब निर्णय करके किसी चीज को गलत कहती है और काटने का निर्णय लेती है, तो स्थिति एक पैदा हो जाती है कि उसको जड़ से निकाल करके बाहर नहीं करती, ऊपर से कटाई छटाई कर देती है। और ऊपर की कटाई छटाई का आपने देखा होगा, खेत में खरपतवार हो जाते हैं, अगर उनको जड़ से उखाड़ दिया जाए तो दोबारा उगने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। अक्सर जितने भी खरपतवार हैं, अगर उनको जड़ से ऊपर उखाड़ा जा रहा है, यानी कि तने के भाग से काटा जा रहा है, तो जड़े होने के कारण वो दुर्गुण दोबारा से सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि चित्त पर जो संस्कार जमे रहते हैं उनका मूलाच्छेदन नहीं होता, और ना होने के कारण नए सुसंस्कारों की मजबूती से गहराई में अगर पकड़ हो जाए तो आध्यात्मिक साधकों के लिए उस बुराई को उखाड़ना आसान हो जाता है। संस्कार भूमि का चित्त चेतना का परिमार्जन करना मनोमय क्षेत्र की साधना में एक महत्वपूर्ण कार्य को समझा जाना चाहिए। चौथा होता है अहंकार। अहंकार का अर्थ है अपने आपे के समन्वय को, संबंध को, उसमें जो अपनी मान्यता देता है, जो बनाता है अपने बारे में, वो ये बनाता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, और उस अच्छाई पर अपना मन अहंकार करता है। जो बात आपको कही जा रही है, अहंकारी व्यक्ति अपने में किसी कमी को नहीं देखता है, अच्छाइयों को देखता है। यानी कि जो बुराई भी है तो उनको भी अच्छाई के रूप में देखता है। मैं कौन हूं इस संबंध का उत्तर विभिन्न व्यक्तियों के मन में विभिन्न प्रकार का होता है। कोई अपने को स्वभाव के आधार पर, कोई संपत्ति के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, कोई व्यवसाय के आधार पर अपना निर्धारण कर लेते हैं, और उस निर्धारण के माध्यम से संप्रदाय के आधार पर अपने आप को प्रधानता देते रहते हैं। ऐसी ही विविध मान्यताओं में लोग अपने आपे के समन्वय के साथ में, अपने संबंध के साथ में मान्यता ये बरतते हैं, देखे जाते हैं। अगर सचमुच पूछा जाए तो अपने आपे को क्या समझते हैं उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उस अहंकार के लिए वो मरने मिटने को भी तैयार रहते हैं, पर अपने मन की बात को गिरने नहीं देते हैं। सच्चाई को समझिए। कोई अपने को व्यवसाय के आधार पर, कोई संपत्ति के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, कोई संप्रदाय के आधार पर प्रधानता देता है। आधार उसका अपना नहीं है। उसने संपत्ति को आधार बनाया है, जाति को आधार बनाया है, पर ना संपत्ति, ना जाति, ना ही कोई व्यवसाय उस जगह पर, उस क्षेत्र में अपने काम को करते हैं। वहां पर तो चेतना अपने काम को करती है, जो चित्त पर क्रियाशील रहती है। संस्कार के अंदर अहम आ जाने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने आप को निष्ठुर बना लेता है और उस स्थिति में ले जा करके अपने आप को खड़ा कर लेता है कि जहां एक ही बात सोची जाती है कि इस आधार पर ढल करके अपने आप को कैसा बनाया जाए। उस आधार में अपने आप को ढाल करके अपने आप को कैसा बनाया जाए। अपने संबंध में स्थिर की गई जो भावना है, मान्यता को उस समय पर अहंकार कहते हैं। किसी के पास धन है तो धन का प्रभाव उसकी चेतना पर काम करता है, और काम करने के कारण व्यक्ति के मन में धनी मानी बनने की बात आ जाती है, और वहीं से वो उसकी चेतना पर अपने काम को करने लग जाती है। ईश्वर और जीव की पृथकता का जो प्रधान कारण है वो अहंकार ही है। ये अहंता जब तक रहती है, जब तक जो सायुज्य मुक्ति किसी को मिल नहीं सकती। अहंकार किसी पर एक कण भी रहेगा तो वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर अपने आप को जोड़ना है तो अपनी बुद्धि के साथ जोड़िए। मन तो आपका जुड़ा हुआ है, बुद्धि को जोड़ने की आवश्यकता है। अगर जोड़ लें तो दोनों का समन्वय होने लग जाए। जब समन्वय होगा तो उसकी चोट अहम पर पड़ने लग जाएगी। अहम पर पड़ने लग जाएगी। याद रखना, अहंकारी व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपने आप को झुकने नहीं देना चाहता, अडिग रहता है। कई बार तो यहां तक और ऐसा भी होता है कि आदमी के मुंह से कोई बात निकल गई और निकलने के बाद उसे पता लग गया कि मैंने गलत बोला है। वो अपने आप को घुमाने फिराने लग जाता है, अपने ही आप को घुमाने और फिराने लग जाता है अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए। वो ये नहीं चाहता कि गलत चला जाए, परंतु अपने अहंकार के कारण उसका रवैया अड़ियल हो जाता है और अड़ियल होने के कारण वो उसी को ठीक मानता है जो उसने एक बार कह दिया है। वो अपनी बात को पानी देता है और यहां तक कह सकता हूं कि मरने मारने के लिए अपनी बात के लिए वो तैयार हो जाता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जिस चीज का हमको पता है, भान हो गया कि ये हम गलत कर रहे हैं, क्या उसको हटाना नहीं चाहिए? अनुष्ठान का जो मूल उद्देश्य है वो और कोई उद्देश्य नहीं है। आपको अपने आप से अपने आपे में समाई हुई उन सब विकारों को ढूंढना है, देखना है कि मेरे जीवन में विकृति कहां पर है, कमजोरी कहां पर है, कमी कहां पर है, उसको आपको देखना होगा। अगर ये बात हमको समझ आती है मेरे अंदर कमी है, दो स्तर पर उसको हटाया जा सकता है। एक तो आपका संकल्प बल और मनोबल इतना बढ़ जाए कि मैं तो इसको हटा करके ही रहूंगा। अंदर से सुनना मेरी बात को। अगर अंदर से आपकी शक्ति जग करके आती है और आप ये देखते हैं कि ये कमी मेरे अंदर है, कहां पर? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्ट बताए गए हैं। अगर इनमें कमी है और अपनी कमी को आप स्वीकार करते हैं, अक्सर देखने में ये आता है कि आदमी में कमियां होती हैं, वो कमियां उसके संस्कार बन चुकी होती हैं, आदमी उसको छुपा करके रखता है। ऐसे कितनी सारी बातें हैं हमारे जीवन की कि कुछ घटनाओं को हम छुपा करके रखना चाहते हैं, किसी को पता ना लग जाए, उनको बचा करके रखते हैं। ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, क्योंकि मन का उसमें रमण होता है, मन का उन गतिविधियों में रमण होता है, तो मन उनको छोड़ना नहीं चाहता। बुद्धि की मजबूरी हो जाती है उनको रखने की। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर आप जीवन की, अपने जीवन की परम अवस्था चाहते हैं, परम अवस्था कह रहा हूं, तो उस परम अवस्था के लिए आपको उसके अनुसार विश्वास, आदर्श, विचार के रूप में आपको पैदा करने पड़ेंगे। इच्छा और आकांक्षाएं उसी क्षेत्र में उन्नति और सफलता को प्राप्त कराती हैं जिसके मन में अपने संबंध में ये निश्चित विश्वास हो जाता है कि मैं अमुक नाम के भिखारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं, मैं लोभी हूं, मैं ढोंगी हूं, मैं व्यभिचारी हूं, या और कोई विकार जो उसके मन में आकर के बैठ जाता है कि मैं ये हूं, और वो उसको मिटाना चाहता है। उनके सहारे चेतना उसकी अग्रसर हो रही है, जिधर वो वृत्तियां लेकर के जा रही हैं उधर ही उसकी चेतना अग्रसर हो रही है, परंतु अपनी स्थिति में परिवर्तन को महसूस करके अगर वो ये समझ रहा है कि मेरा पतन हो रहा है, तो उसे उन वृत्तियों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। जो उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, उन कमियों को उसको हटा देना और मिटा देना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्तियों को अहंकार, सज्जन, सत्पुरुष, महात्मा, आदर्शवादी, सेवाभावी, महापुरुष, ईश्वर भक्त के रूप में बना सकता है। बहुत अच्छे से ये देखेंगे, इसी क्षेत्र में अग्रसर होकर के वो संपदाओं की अपेक्षा सद्गुणों से सुख की और सफलता की स्थिति को अनुभव करता हुआ चला जाएगा। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? जरा लिखें अगर आ रही हो तो, वैसे तो समय भी पूरा हो रहा है। लिखें कोई आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? मैं ये कहूंगा कि उस अवस्था को अगर लेकर के आना है तो हमें अपनी ही स्थिति से मुकाबला करना पड़ेगा। हमें अपनी ही स्थिति से मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हम मुकाबला करना चाहते हैं तो यही अनुष्ठान है। अनुष्ठान का जो उद्देश्य है वो ठान लेना कि हम इस बुराई को मिटा करके रहेंगे। मैं कहता हूं हम दुनिया भर के अनुष्ठान कर लें, अगर अपना परिशोधन नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर से आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, आदमी को पता होता है मेरे स्वभाव में कहां कमी है, मेरे स्वभाव में कहां कमी है, यह आदमी को पता होता है। स्वभाव माने आदत, स्वभाव माने आदत। आदमी को यह पता है मेरे स्वभाव में कहां कमी है, परंतु उनसे इंद्रियों को मिलने वाले सुख के कारण वो उनको छोड़ना नहीं चाहता। इसी कारण से वो उसके जीवन में बनी रहती हैं और बनी रहने के कारण उसे अंदर से चुपके चुपके खाती हुई और कमजोर करती चली जाती हैं। जीवनी शक्ति जब उन विकारों से कमजोर पड़ जाती है तो वो उस जीवनी शक्ति पर एक साथ टूट पड़ते हैं और जीवन के अस्तित्व को खत्म कर देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उससे बच करके रहें, आगे बढ़ें और बच करके रहें, तो उसके दो ही तरीके हैं। या तो आप अपने स्तर से उसको छोड़ने का ऐसा पक्का संकल्प कर लीजिए, वरना छोड़ने का दूसरा तरीका है, गुरु की शक्ति का सदुपयोग कर लीजिए। छप्पर उठाते हैं तो एक आदमी नहीं उठा पाता, अड़ोसी पड़ोसी को बुला करके उनकी सहायता ली जाती है। कोई भी काम ऐसे है जो सहयोग से ही पूरे हो सकते हैं, उसमें दूसरों का साथ लेना ही पड़ता है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, अगर आप नहीं अपनी कमी को मिटा पा रहे हैं, मूल उद्देश्य अब की साधना का यही है कि जिसको मैं गलत मान रहा हूं, मुझे उसे जीवन से बाहर करना है। एक चीज, एक बुराई एक ही चीज को प्रभावित नहीं करती है। जानते हैं जिनको डायबिटीज हो जाती है, वो जीवन के हर अंग को, आंख को भी, हमारे कहिए जो शरीर के जितने भी वो है, आंख को भी प्रभावित करती है, श्रवण शक्ति को भी प्रभावित करती है, हमारे अंदर वो एक ऐसी जकड़न को पैदा करती चली जाती है कि जिससे बचना आसान नहीं होता। ये चीजें धीरे धीरे हमारी चेतना को, किसको, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अपने बसीभूत करने लग जाती हैं और जड़ अवस्था में ले जाकर के खड़ा कर देती हैं। अपनी स्थिति को ठीक से समझेंगे, अपना मुकाबला जरा पेड़ पौधे से करिए, अपना मुकाबला कीड़े मकोड़ों से करिए, अपना मुकाबला जल जीवों से करके देखिए, अपना मुकाबला और किसी से करके देखिए, परंतु एक मुकाबला अपने गुरु से या भगवान से भी करके देखना, और फिर ये देखना आपकी वास्तविक स्थिति कहां पर है, आपकी वास्तविक स्थिति कहां पर है। हमें उस वास्तविक स्थिति को प्रकट करना है जो हमारी होनी चाहिए, उसी के लिए यह अनुष्ठान किया जाएगा। और इस अनुष्ठान को करने में मैं हर क्षेत्र के अंदर अब जा रहा हूं और हर क्षेत्र में खुद स्वयं जा करके वहां पर परिजनों में उन उत्साह को जगाऊंगा, ऐसा मेरा मन है, उस काम को करूंगा। परंतु 1 तारीख से जो अनुष्ठान शुरू हो उसका केवल एक ही उद्देश्य हो, जन्मों से जमा हुआ ये कीचड़ किसी तरह से हटना चाहिए, बस एक ही उद्देश्य हो। आप सब इसके लिए संकल्पित हों और इस काम को करें। आज की बात को यहीं पर विराम कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।